सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बर्नौली थ्योरम्स एंड इट्स एप्लीकेशन। सो बर्नौली थ्योरम्स इज एन इक्वेशन विच रिजल्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज अप्लाइड टू फ्लो फ्लूइड। ठीक है, बर्नौली थ्योरम्स स्टेट दैट टोटल एनर्जी विच कंसिस्ट ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास इन स्टडी स्टेट आर कॉन्स्टेंट। सो बर्नौली थ्योरम में कहता है कि जितना प्रेशर हम जो भी देखो एक ये पहले तो हम ये फ्लूइड बना लेते हैं। ये देखिए V1 V2 ये हाइट 1 H1 और ये हाइट 2 H2। ये प्रेशर एट पॉइंट 1 और प्रेशर एट पॉइंट 2। इसके अंदर जो फ्लूइड का फ्लो हो रहा हुआ ये देखिए। तो बर्नौली थ्योरम यही कहता है कि जितना प्रेशर पॉइंट P1 पर लग रहा है उतना ही प्रेशर पॉइंट P2 पे होगा। टोटल एनर्जी एट बोथ एंड शुड बी इक्वल। ठीक है, देखो इसमें प्रेशर एनर्जी प्रेशर के कारण लग रही है। काइनेटिक एनर्जी इसमें मोशन फ्लूइड जो मोशन करता है फ्लूइड उसके कारण लग रही काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी लग रही है हाइट के कारण। ठीक है, अब इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं। जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस हमारी है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो प्रेशर एनर्जी क्या होती है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम। काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv2। ठीक है, और पोटेंशियल होती है हमारी mgh। जी जा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, h जा हाइट। सो इस इक्वेशन में हम वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं, pv/v प्लस 1/2 mv2/v प्लस mgh/v। ठीक है, अभी आप देख ही रहे होंगे इस v से v कट गया, इस v से a कट गया। अब देखिए जो हमारी डेंसिटी होती है, डेंसिटी रो से डिनोट करते हैं, तो मास बाई वॉल्यूम होती है। तो मास बाई वॉल्यूम हमारी डेंसिटी होती है। ठीक है, तो ये देखिए हमारा मास बाई वॉल्यूम ये हो गया। तो टोटल एनर्जी में क्या होता है, पी प्लस 1/2 ये वाला वी नहीं काटना था, इस वी को नहीं काटेंगे क्योंकि इधर हम डेंसिटी बनाएंगे इसको। ये देखिए मास बाई वॉल्यूम, तो 1/2 रो वी प्लस m/v रो आ गया, रो जी एच। ठीक है, तो ये हमारा टोटल एनर्जी आ गया, टोटल एनर्जी का हमारा फॉर्मूला ट्राइव हो गया। ठीक है, बर्नौली थ्योरम जैसे दो पॉइंट दो एंड लगते हैं, जैसे हमारा ये देखिए
दो एंड है, एक पॉइंट यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर, यहाँ पर दोनों को जगह प्रेशर लग रहा होगा, पोटेंशियल एनर्जी कनेक्ट एनर्जी अलग अलग इन दोनों पॉइंट पर लग रही होगी, तो इनको इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, एट पॉइंट पी वन पर देखिए, तो पी वन प्लस वन अपॉइंट टू रो बी वन स्क्वायर प्लस रो जी एच वन, क्योंकि एच वन हाइट है इधर, इज इक्वल टू पी टू प्लस वन अपॉइंट टू रो वी टू स्क्वायर प्लस रो जी एच टू, ठीक है। अभी हम इसको अच्छे से समझने के लिए एक प्रॉब्लम लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं, ये हमारा हर्ट है, ये ब्लड वेसल ये हेड तक गई है, ठीक है, और इसके बीच की हाइट है हमारी 50 सेंटीमीटर। तो ये हर्ट कितना पंप करेगा, इसमें फाइंड द प्रेशर डिफरेंस इन दोनों के बीच का, प्रेशर डिफरेंस बताओ, जब हेड पंप कर रहा होगा तो यहाँ से ब्लड का फ्लो होकर हेड तक जाएगा, तो इन दोनों के बीच का प्रेशर डिफरेंस बताना है हमको, ब्लड की डेंसिटी दी हुई है, ब्लड की डेंसिटी दी है हमको 1.06 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, CGS यूनिट में दी गई है हमको, ठीक है। तो हर्ट से ब्लड पंप होकर हेड तक जाता है जिसकी दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो प्रेशर डिफरेंस बताना है हमको। तो हम यहाँ पर बर्नौली थ्योरम्स लगाते हैं इस एंड के लिए और इस एंड के लिए, ठीक है। तो इक्वेशन को लिखेंगे, पी वन प्लस वन अपॉइंट टू रो बी वन स्क्वायर प्लस रो जी एच वन इज इक्वल टू पी टू प्लस वन अपॉइंट टू रो वी, वॉल्यूम तो सेम ही है ना, इधर भी वी रहेगा, रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच टू। अब देखिए, चूंकि वॉल्यूम सेम है, सो यहाँ पर वॉल्यूम सेम है इसलिए वी दोनों सेम रहेगा, तो ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। इधर मैंसन कर वी वन और वी टू था पहले, लेकिन चूंकि वी वन और इजिकल टू वी टू है तो ये दोनों कट जाएगा, फिर हमारा बचेगा पी वन प्लस रो जी एच वन इजिकल टू पी टू प्लस रो जी एच टू, ठीक है। अब हम पी वन माइनस पी टू प्रेशर डिफरेंस निकालेंगे, ये तो हमें पूछा है उसने, तो पी वन माइनस पी टू निकालेंगे तो रो जी हमारा कॉमन आ जाएगा, ठीक है, तो एच टू माइनस एच वन, ये क्वेश्चन बन जाएगी। और रो की वैल्यू रखना है, ब्लड डेंसिटी कितना दिया है हमारा, ब्लड की डेंसिटी है 1.06 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो वैल्यू पुट कर दीजिए 1.06, ठीक है, और इनटू जी की वैल्यू 9.8 होती है ऐसा यूनिट, CGS में निकालनी है तो 980 हो जाएगी, ठीक है। और जो आपने हेड से और हर्ट के बीच की जो हाइट थी वो कितना था, 50 सेंटीमीटर था, तो 50 रख दो, ठीक है। तो प्रेशर डिफरेंस कितना निकल आया, पी वन माइनस पी टू को हम प्रेशर डिफरेंस बोलेंगे, तो प्रेशर डिफरेंस जब इसको कैलकुलेट करना तो आएगा लगभग
5.194 into 10 to the power 4 dyne per centimeter square. ठीक है, यही तो हमको फाइंड आउट करना था. तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. अभी हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे. ठीक है, क्वेश्चन ये है, पहले तो हम एरोप्लेन बनाते हैं. ये देखिए, ये देखिए एरोप्लेन बन गया हमारा. अब देखिए ये हमारे एरोप्लेन के विंग्स हैं. अब ये देखिए विंग्स के ऊपर की वेलोसिटी हमें दी है 19 मीटर पर सेकंड, और विंग्स के नीचे, ये ऊपर के साइड है ठीक है, और विंग्स के नीचे नीचे की वेलोसिटी हमारे पास 70 मीटर पर सेकंड, और विंग्स का एरिया दिया है हमारा, जैसे ये एरिया है हमारा विंग्स का, तो ये दिया है 30 मीटर स्क्वायर, इसका भी है और इसका भी है 30 मीटर स्क्वायर. अब इन्हें बोला है फाइंड अपलिफ्ट फोर्स, अपलिफ्ट फोर्स निकालना है और मास ऑफ प्लेन, प्लेन का वजन निकालना है. ठीक है, तो इसके लिए भी हम बर्नौली थ्योरम लगाएंगे. देखो एनर्जी एट अपर एंड ऑफ विंग्स इज इक्वल टू एनर्जी एट लोअर एंड ऑफ विंग्स. ठीक है, एनर्जी एट अपर एंड ऑफ विंग इज इक्वल टू एनर्जी एट लोअर एंड ऑफ विंग. ठीक है, तो बर्नौली थ्योरम लगाएंगे, P1 plus 1 upon 2 rho V1 square plus rho G H1 is equal to P2 plus 1 upon 2 rho V2 square plus rho G H2. चूंकि विंग्स की हाइट H1 is equal to H2 है, H1 is equal to H2 है. ठीक है, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो इक्वेशन बनेगी P1 plus 1 upon 2 rho V1 square is equal to P2 plus 1 upon 2 rho V2 square. ठीक है, अभी हम प्रेशर डिफरेंस निकालेंगे, P1 minus P2 करेंगे इस इक्वेशन से. P1 minus P2 is equal to उधर चलाएगा ये 1 upon 2 rho common ले लेंगे, तो V2 square minus V1 square. ठीक है, अब इनने एक चीज़ और हमें दी थी, एयर की डेंसिटी भी इनने मेंशन करी थी हमारे को, एयर की डेंसिटी भी गिवन है, गिवन डेटा, डेंसिटी ऑफ एयर हमारे पास है 1.29 kg per meter cube. ठीक है, अभी आप देख रहे होंगे ये V2 square minus V1 square, मतलब A square minus B square, इसको हम कैसे लिखते हैं, ये A plus B और A minus B. ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट करिए, P1 minus P2 is equal to 1 upon 2 rho की वैल्यू
1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। देखो V2 कितना दिया है हमें, V1 और V2 हमें दिया है 90 और 70 दिया है, तो एक बार जोड़ेंगे 90 स्क्वायर माइनस 70 स्क्वायर, वन अपॉन टू इंटू 1.29। एक बार माइनस करेंगे तो 90 माइनस 70 कितना आएगा 20, और 90 प्लस 70 आएगा हमारा 160। ठीक है, इसको इससे काट देंगे 10, तो प्रेशर डिफरेंस हमारा आएगा P1 माइनस P2 इजिकल टू, इसको कैलकुलेट करना सारा सब कुछ, तो ये आएगा हमारा 2064 पास्कल। पास्कल में क्योंकि ऐसा यूनिट है, प्रेशर डिफरेंस निकल आया हमारा। अब देखिए, चूंकि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो प्रेशर कितना निकला हमारा 2064 पास्कल इज इक्वल टू फोर्स, यही तो हमें अपलिफ्ट फोर्स फाइंड आउट करना है। फोर्स अपॉन एरिया हमारा कितना है, दोनों विंग्स का एरिया निकालना, 30 मीटर स्क्वायर, तो हमारा 60 हो गया। ठीक है, तो एफ ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा निकल आएगा, कैलकुलेट करने में 12380 न्यूटन, ये हमारा फोर्स निकल आया अपलिफ्ट, इसी को हम अपलिफ्ट फोर्स बोलेंगे। सेकंड चीज क्या पूछी थी उसने, कि वेट निकालना है प्लेन का, तो एक फॉर्मूला होता है फिजिकल टू mg। ठीक है, तो फोर्स हमारे पास आई है 12380 न्यूटन इजिकल टू मास, और जी की वैल्यू हमारी 9.8 है, ऐसा यूनिट है एक्चुअली, तो ये इससे मास इजिकल टू 12380 अपॉन 9.8, तो मास निकल आया हमारा 12636.7 kg, ये हमारा एरोप्लेन का मास निकल आया, इसी को हम मास ऑफ प्लेन बोलेंगे, यही हमें कैलकुलेट करना था। ठीक है फ्रेंड्स, तो बर्नौली थ्योरम बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बर्नौली इक्वेशन के एप्लीकेशन के बारे में। बर्नौली इक्वेशन आर एप्लीकेबल व्हेन, जो किन किन कंडीशन में अप्लाई होती है, फ्लो इज स्टडी फ्लो होना चाहिए, डेंसिटी इज कॉन्स्टेंट, विच ऑल्सो मीन्स द फ्लूड इज इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए फ्लूड। ठीक है, फ्रिक्शन लॉसेस हों वो नेग्लिजिबल होना चाहिए, इस कंडीशन में हम बर्नौली थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन और देख लेते हैं बर्नौली थ्योरम की। एप्लीकेशन क्या है, इट इज़ यूज टू मेजर रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूड यूजिंग फ्लो मीटर। ठीक है, और दूसरा एप्लीकेशन है, इट इज़ यूज इन वर्किंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। सो अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और कमेंट करें, जिससे मैं आगे अगर अच्छा लग रहा है तो फर्दर वीडियो आगे बना सकूं। बर्नौली थ्योरम ये बी फार्म थर्ड सेमेस्टर में फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।